₹400 बताया है, उन्होंने ₹425 मांगा है। फर्क अभी ज्यादा है, अब डील कर ही लीजिए मेरे ख्याल से। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का अपना टॉप भारत यूट्यूब चैनल में। आज हम मौजूद हैं तिरवा आलू मंडी में, जय माँ लक्ष्मी आलू कंपनी में, और हमारे पीछे आलू की डील चल रही है, जैसा कि आप लोग कैमरा के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और लाल आलू यहाँ पे ज्यादातर, कुछ लाटे ऐसे भी हैं जो लाल आलू बिक गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे आलू रखा है, और ये क्या रेट बिक रहा है। तो हम डायरेक्ट आरती जी से और व्यापारी जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या रेट बिक रहा है। तो भैया, क्या रेट इसका, ये बिक गया क्या आलू? ये ₹425 मंगा गया है। ₹425? अच्छा, तो व्यापारी जी ले लिया आपने? अभी नहीं, अभी बात चल रही है। अच्छा अच्छा, डन नहीं हुआ तो क्या क्या लगता है रेट में? डन कर लीजिए इसको और डन तो हो जाएगा, समझो यही रेट। क्या रेट? यही रेट मांग रहे, ₹425 समझो। हाँ, रेट के लिए समझो। तो क्या लगता है सर? हम ₹450 बताया है, उन्होंने ₹425 मांगा है। फर्क अभी ज्यादा है, अब डील कर ही लीजिए मेरे ख्याल से। तो अब खड़े हैं हम, तो फिर गाड़ी तो मंडी के हिसाब से डील होगी ना? नहीं, हाँ वो से मंडी में बिकेगा। फर्क ज्यादा है, लेकिन फिर भी अब दोनों लोगों में एडजस्टमेंट होगी, जाना सभी होगा। देखिए, ₹425 मांग रहे हो? ये किसान भाई है? अच्छा अच्छा, कभी अच्छा, तो परेशान ना हो अभी। अच्छा, जो अच्छा जो मंगो जाए रो भाई, हम तुम्हें बताए नहीं। बहुत अच्छा सर, कुछ आज सफेद आलू कुछ बिका है अपने कंपनी? सफेद आई बिका ₹311 का। ₹311? अच्छा, जो मंडी टॉप का रेट रहा है वो क्या? ₹311 अपने यहाँ बिका है? हमारे यहाँ बिका मंडी टॉप, मंडी में इससे ऊपर का आलू नहीं बिका है। 250 कट्टे के ₹1,280 बिकी है। अच्छा अच्छा, तो और जो ये लाल आलू का सर टॉप रेट रहा है वो क्या रहा है? ₹445 का। ₹445 वो अपने यहाँ बिका है कुछ? अच्छा, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आज का जो लाल आलू का टॉप रेट है वो ₹445 रहा है, और जो सफेद आलू का भाव रहा है वो 311 रुपए रहा है यहाँ का। और जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफी आलू जो था यहाँ पे बिक चुका है, और जो मौसम आज है वो काफ़ी सर्दीला हो गया है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि कुछ बारिश हुई है पूरे कन्नौज क्षेत्र में, और बारिश के कारण यहाँ पे कुछ कपकपी हो गई है और थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी कुछ कल के अगर मुकाबले, आज के मुकाबले कल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आज मतलब बारिश के कारण। और इसमें कुछ आलू के जो किसान हैं उनके लिए थोड़ी एक ये बात है कि उनके लिए थोड़ी नुकसान वाली बात हो सकती है, क्योंकि आलू में कुछ झुलसा वगैरह ऐसे काफ़ी रोग उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों और किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।